वेल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को सभी को मेरा आवाज आ रहा है बेटा यस और नो वॉइस इज क्लियर वॉइस इज क्लियर बेटा ठीक है शर्ट वही है चेहरा वही है ओके okay, कल कल सेशन को ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूं इसलिए सेम शर्ट पहन के आया हूं ठीक है क्लियर है वॉइस सबके लिए और यस जो हमारे सॉफ्टवेयर में ज्वाइन हुए हैं कुलदीप कुनाल वॉइस क्लियर है आप भी बताइए ओके okay, बहुत से स्टूडेंट हमारे सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग में ज्वाइन हुए हैं यस आपको भी वॉइस क्लियर आ रहा होगा और आप टेस्टिंग में ओके okay, मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्वाइन हुए होंगे तो आप भी यस कहिएगा यस yes, आज मैं दोनों तरफ क्लास चला रहा हूँ यूट्यूब लाइव भी चला रहा हो और हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमने टेस्टिंग डिसाइड किया था बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं वो भी मुझे देख रहे हैं चलिए। वेरी गुड वेरी गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके तो मोहित युक्ता लखन इशिका, आदित्य नाजमीन गुड मॉर्निंग आज मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूं तो पढ़ाने के पहले ही लाइक का बटन दबा दीजिए <laughs> ओके दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए तो बहुत सी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी के पहले क्या क्या गड़बड़ होती थी इंडिया में और जीएसटी क्यों लाया गया तो बेटा ओके दिन की शुरुआत कुछ मीठे से हो जाए तो लाइक कर दीजिए पहले ही लाइक कर दीजिए ओके और पहले कह दीजिए सुपरप सुपर सुपरप फिर आगे का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे अरे हा या ना बोलो हाँ हाँ, देखो हाँ बोलना सीख जाओ शादी के बाद बहुत काम में आता है मुझे बहुत काम में आ रहा है हाँ बोलना और कि ज्यादा टेंशन ही नहीं झगड़ा ही नहीं होता है अरे भाई डिसलाइक दबा दे कोई प्रॉब्लम नहीं दिन की शुरुआत खट्टे से खट्टे से खट्टे से हो जाए और उसमें प्रॉब्लम क्या है मिठाई से भी हो जाए <laughs> चलिए ओके दोस्तों स्टार्ट करें आर यू रेडी जोर से बोलो जोर से बोलो चलिए तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने कोई ज्यादा डिस्कशन अभी तक नहीं किया है ओके okay, मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूं ओके okay, इसलिए क्योंकि आपका इनकम टैक्स पूरा अच्छे ढंग से नहीं हुआ है और आप ये एक सेशन अटेंड कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि जीएसटी की एकदम गड़बड़ गड़बड़ ना हो जाए आपके दिमाग में इसलिए हम थोड़ा स्लो चल रहे धीरे धीरे होले होले हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए दोस्तों यहां पे हमने कल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ा डिफरेंसेस पढ़े डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैं मुझे जस्ट ये पूरे डिस्कशन में ये बताना था आपको कि भाई डायरेक्ट टैक्स अलग है इनडायरेक्ट टैक्स अलग है डायरेक्ट टैक्स अलग है इनडायरेक्ट टैक्स अलग है इसलिए आप दोनों सब्जेक्ट अगर जब भी पढ़ोगे या साथ में पढ़ोगे या एक के बाद एक पढ़ोगे तो कन्फ्यूज मत होना इसके ऑब्जेक्ट अलग है इनडायरेक्ट टैक्स का ऑप अलग है हाँ ये मानता हो कि गवर्नमेंट पहले इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है और उसी वैल्यू का कुछ प्रॉफिट बचता है तो उसके इनपन इनकम टैक्स भी देती है पर इनकम टैक्स का ऑब्जेक्ट ये था कि डोंट अलाउ एनी बड़ी टू तो एक्यूमोलेट द इनकम आई रिपीट डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमोलेट द इनकम ये उनका क्लियर ऑब्जेक्ट था हमने बहुत सारे डिफरेंसेस देखे ये क्वेश्चन आपको दो मार्क के लिए आ सकता है क्योंकि आपके आईसीए के मटेरियल में पहले ये पूरा इंट्रोडक्शन में दिया गया है ओके okay, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है नाउ चलिए अब आ, यहाँ पे डिस्कशन <coughs> को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं टैक्सेस से रिलेटेड और मैं अब इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ आई रिपीट इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ जैसे आपने ये तो अभी मेरे से पढ़ा अब देखते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन देखिए हमने अभी यह पढ़ा कि इंडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस ये कमोडिटी पे लगता है जिसको मैं थोड़ा रिफाइन वर्ड में यूज करूंगा गुड्स और सर्विसेस अभी हम जीएसटी पे नहीं आए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते थे वो गुड्स और सर्विसेस पे अभी थोड़ा मैसेज देना बंद करो बेटा अभी मुझे पूरा फोकस करो पढ़ने की तरफ मैं आपका ध्यान चाहूंगा ठीक है तो पढ़ने की तरफ पूरा ध्यान दो ठीक है तो और जो भी नए ज्वाइन हुए दिन की शुरुआत कुछ मिठाई से हो जाए लाइक जरूर करिएगा ठीक है तो यहाँ पे गुड्स और दूसरा सर्विसेस तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कमोडिटी टैक्स है सर्विसेस पे टैक्स है अब बेटा गुड्स पे जैसे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है आपने पहला लेक्चर लॉ का किया होगा पहला लेक्चर डीटी का किया होगा तो इसमें आपको पढ़ाया होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में मतलब क्या मतलब यहां पे गवर्न बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ओके सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में जिसके बारे में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल ऑथॉरिटीज भी है लोकल ऑथोरिटीज भी है ओके लोकल ऑथॉरिटीज भी है और सबको पैसा चाहिए ओके okay, सबको पैसा चाहिए सेंट्रल को अपने खर्चे करने हैं ओके नेशनल लेवल पे इंडिया लेवल पे ओके okay, डिफेंस पे खर्चा करना है सोशल वेलफेयर पे खर्चा करना है स्टेट को अपने स्टेट का ध्यान रखना है स्टेट की नेशनल uh, हाईवे uh, बनते हैं तो स्टेट हाईवे भी बनते हैं ओके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है स्टेट को अपना भी वेलफेयर करना है अपने स्टेट का भी वेलफेयर करना है और लोकल अथॉरिटी जो सिटी का अपना ध्यान रखती है और okay, कि गली कुचे का डेवलपमेंट करती है सिटी में तो तीनों को पैसा चाहिए और इंडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेंट्रली ले लेगा स्टेट ही ले लेगा ले 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 या लोकल ऑथॉरिटी ये तीन गवर्नमेंट है और ये तीन गवर्नमेंट को बिजनेसमैन मैन आलोज जो भी बिजनेस करेंगे क्योंकि बिजनेस सिटी में हो रहा है मतलब स्टेट में हो रहा है और स्टेट में हो रहा है मतलब इंडिया में हो रहा है ओके okay, तो ऐसे केस में ओके okay, बिजनेस वालों से जो गुड्स का बिजनेस करता है या जो सर्विसेज का बिजनेस करता है बेटा ओके okay, इन तीनों को पैसा चाहिए और सीधा सीधा बिजनेस वालों से चाहिए कि तुमको मिला हमको भी चाहिए ओके okay, तो यहां पे अगर कोई बिजनेसमैन है ओके okay, तो ये बिजनेसमैन को तीन लोगों को यहां हफ्ता देना है मतलब टैक्स देना है सेंट्रल वालों को भी देना है स्टेट वालों को देना है और कॉर्पोरेशन वालों को भी देना है ओके लोकल ऑथोरिटी को भी देना है क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है ओके okay, नो no, ये लोकल ऑथॉरिटी ये स्टेट के अंडर में आते हैं इसलिए ब्रॉड सेंस में मैं सेंट्रल और स्टेट ही लूंगा ब्रॉड सेंस में सेंट्रल और स्टेट ही लूंगा क्योंकि ये लोकल ऑथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है आपको आ रही क्या बात समझ में येस और नो तो थोड़ा यहां पे टैक्सेस का स्ट्रक्चर के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है आई नीड अटेंशन कि भाई टैक्स के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सेंट्रल को किस टैक्स की ऑथॉरिटी देता है स्टेट को किस टैक्स की ऑथॉरिटी देता है और लोकल ऑथॉरिटी को किस टैक्स की ऑथॉरिटी देता है जो स्टेट के अंडर में ही आती है और okay, स्टेट के अंडर में आती है तो यह जानना बहुत जरूरी है और जीएसटी okay, के पहले टैक्सेस कैसे थे किसके अथॉरिटी के अंडर में थे और जीएसटी आने के बाद क्या चेंज हुआ यह भी बहुत जानना जरूरी है यस और नो ओके तो चलिए अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोविजन हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहां पे देखें ओके okay, तो व्हाट यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलो आप बताइए ओके okay, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का बेटा आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो थोड़ा बहुत बताइए थोड़ा बहुत शेयर कीजिएगा मैं वेट करूंगा आंसर से यस yes, जो ऑनलाइन ज्वाइन हुए इंक्रिप्शन में वो भी बताइए बेटा वो भी मैसेज दे मैं उनका भी मैसेज देख रहा हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल कुणाल कुलदीप आप भी आंसर दे सकते हो राहुल ने राहुल ने आंसर दिया है कि ये रूल बुक ऑफ इंडिया है चलो मान लेते हैं रूल बुक ऑफ इंडिया और और क्या आंसर है और क्या आंसर है बेटा बोलिए फटाफट मैं वेट कर रहा हूं बुक असाइनिंग राइट एंड ड्यूटीज टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट गुड सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम फाइटर लोग बना के गए हैं देश चलाना चलाने के लिए अच्छा रितेश अच्छा डेफिनेशन है ओके लॉ ऑफ कंट्री है 444 आर्टिकल्स है सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन है चलिए आपने अच्छी कोशिश की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और ये हमारा सुप्रीम लॉ है ये हमारा सुप्रीम लॉ है ऑल अदर लॉज ऑफ द कंट्री सुप्रीम लॉ है इसी लॉ से सभी लॉ इट होते हैं जिसमें जुडिशियल और लेजि पावर भी दी गई है अब मैं आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ओके मुझे यहाँ यश यश जो है ओके एक बिजनेस मैन है ओके एक ट्रेडर है देखो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि यश जो एक बिजनेस मैन है एक ट्रेडर है और एक कोई ऑफिसर आ रहा है और ऑफिसर यश को कह रहा है कि यश ओके तू बिजनेस कर रहा है पे टैक्स अब इंडिया में डेमोक्रेसी है फ्रीडम है सब कुछ है तो यहां पे यश कह रहा है कि हु आर यू ओके वो ऑफिसर को कह रहा है कि हु आर यू भाई आप मेरे से टैक्स क्यों मांग रहे हो ओके ये ऑफिसर कर रहा है कि भाई तू बिजनेस कर रहा है गुड्स बेच रहा है कमोडिटी बेच रहा है ओके तू गवर्नमेंट को टैक्स दे तो यश कह रहा है यहां पे कि डू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी यश का कहना क्या है देखो ए, जो है FCA है FCA मतलब फ्यूचर अकाउंटेंट है cost accountant या है है तो यहां पे ओके okay, yes, पूछ रहा है कि भाई टैक्स मांग रहा है ओके okay, कोई भी अंटूब आदमी आ जाएगा मेरे से टैक्स मांगेगा पहले बता कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तुझे ये अथॉरिटी देता है कि तुम मुझसे टैक्स कलेक्ट कर सके इमेजिन द सिचुएशन कि यहां पे कि okay, ये जो ऑफिसर उससे टैक्स मांग रहा है उसके पास ऑथोरिटी नहीं है तो ऑफिसर ने क्या नो बट यू आर डूइंग द द बिजनेस पे समथिंग टू गवर्नमेंट कहता है डूंग गुड फॉर पहले जाओ और कॉन्स्टिट्यूशन से ऑथॉरिटी लेके आओ पहले जाओ और उसका नाम पूछ के आओ ओके कि, कि किसने आपको ऑथोरिटी दी है मेरे से टैक्स कलेक्ट करने की इंडिया है डेमोक्रेसी है फ्रीडम है ओके कोई भी आके मुझसे टैक्स नहीं ले सकता कोई भी आके मुझसे हफ्ता नहीं ले सकता तो पहले आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी होना चाहिए तो ये बेटा ओके okay, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये राइट्स ड्यूटीज वगैरह तो बताता ही है ये रूल बुक ऑफ इंडिया है ये सब ठीक है पर ये क्या सुप्रीम लॉ है बेसिक लॉ है इंडिया के सभी लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं आज हम टैक्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आईडी बेटा फोर्टी मार्क्स का है और मुझे आईडी की तरफ ज्यादा फोकस करना है लॉ की फैकल्टी आपको ओके okay, ये डिटेल में बताएगी बेसिक्स बताएगी आपको अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट क्लियर तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम लॉ है वो क्या कहता है यहां देखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन आर्टिकल से मेरा कंसर्न है आर्टिकल 265, 245 और 246 ये तीन आर्टिकल्स जो है टोटल 444 फोर्टी आर्टिकल्स है यह आपकी लॉ की फैकल्टी ने आपको बताया होगा और वी स्मार्ट में सर ने आपको बताया होगा ओके okay, तो यहाँ आर्टिकल 265, 245, 246 यह दर्शन सर ने आपको बताया होगा तो अब यहाँ पे ये तीनों आर्टिकल क्या कहते हैं so मतलब क्या अब देखो मैं ये पढ़ने जा रहा हूं नो no टैक्स फिर वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो नो टैक्स शैल बी लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर दिटी ऑफ लॉ यानी इंडिया में अगर किसी भी बंदे पे या किसी भी सिटीजन पे टैक्स लगाना है किसी भी बंदे से टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑथोरिटी ऑफ लॉ चाहिए आई रिपीट ठीक है यहां बेटा कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है हो सकता है हो सकता है कि इन बिटवीन बंद हो जाए तो मैं वापस से रिकनेक्ट हो जाऊंगा डोंट वरी मैं वापस से रिकनेक्ट हो जाऊंगा तो यहां पे, जैसे आर्टिकल 265 क्या कहता है आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि नो टैक्स शाल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर दथोरिटी ऑफ लॉ मतलब क्या मतलब ये कि इंडिया में कोई भी बंदा जाके टैक्स नहीं मांग सकता टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता ओके कि अगर किसी को भी टैक्स कलेक्ट करना है इवन गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्ट करना है तो पहले लॉ बनाया जाए उस लॉ से ऑथोरिटी ली जाए और वो ऑथॉरिटी के अंडर में ही टैक्स कलेक्ट हो सकता है फिर वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो आई रिपीट डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो तो यहां पे इसलिए यहां पे यश ने कहा कि भाई या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तुझे परमिट करता है कि मेरे से टैक्स लिया जाए अगर नहीं तो गेट आउट फ्रॉम और जा उस कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी लेके आ कि तू मुझसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है और बाद में ही मैं टैक्स दूंगा वो ऑफिसर की बड़ी इंसल्ट हुई जिसको यश ने यहां पर कहा कि यहां से निकल वो ऑफिसर ने भी कसम खा ली कि कसम की कसम कसम से यश को नहीं छोड़ूंगा दिल से ओके okay, यश yes, को तो अब टैक्स लेके रहूगा मैं लॉ बनाऊंगा और लॉ बनाकर ओके okay, यहां पे यश से टैक्स कलेक्ट करके रहूंगा तो वह आर्टिकल 265 के पास गया और वो ऑफिसर ने आर्टिकल 265 को कहा कि आर्टिकल 265 वो यश ने मेरी बड़ी इंसल्ट की है मुझे उससे टैक्स ले रहा है वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है रेवेन्यू कमा रहा है इंडिया की रिसोर्सेज यूज कर रहा है उसके उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि वो पैसा गवर्नमेंट को दे पर वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी ले क्या So, मुझे ओके okay, यहां टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए तो आर्टिकल 265 सिक्सटी फाइव ओ हो तुम्हारी इंसल्ट हुई ऑफिसर ने कहा यस सर मेरी इंसल्ट हुई तो आर्टिकल 265 ने कहा अच्छा अच्छा एक काम कीजिए ओके okay, टैक्स कलेक्ट करना है तो क्या यहां पे लॉ बना लीजिए ओके okay, पहले लॉ बनाओ बाद में टैक्स कलेक्ट करो फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो तो अब ये ऑफिसर क्या कहता है सर लॉ बनाने की अथॉरिटी किसके पास है यानी जब तक आप लॉ नहीं बनाते हो जैसे इनकम टैक्स इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन है कोई भी रेवेन्यू लॉ ओके इनकम टैक्स लॉ ओके पहले एक्साइज के लिए सेपरेट एक्ट था सेल्स टैक्स के लिए सेपरेट एक्ट था तो अब सवाल पूछा गया कि इंडिया में कौन लॉ बनाता है क्या यहां पे ऑफिसर कह ऑफिसर कह रहा है मैं लॉ बना लू नहीं बेटा ये okay, ऑफिसर की कौन सुनेगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैं जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता हूं okay, दो दोनों मोड़ पे, मैं यूट्यूब मोड़ पे भी और लाइव स्ट्रीम में भी देखूंगा आपका आंसर कि इंडिया में लॉ कौन बनाता है यस बताइए फटाफट इंडिया में लॉ कौन बना रहा है यशिका डोंट स्पैम आप यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाओ मेरी टीम बाद में क्लास होने के बाद आपका चेक कर लेगी ये बताओ कि इंडिया में लॉ कौन बनाता है फटाफट आंसर दो मैं दोनों मोड में देख रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस विथ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज पार्लियामेंट पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एमसी संसद ओके चलो सुप्रीम कोर्ट नहीं बेटा यहाँ पे वैसे तो मैं स्ट्रक्चर आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि पूरा आ, हिरार की लॉ बनाने की हिरार की कैसे चलती है लेकिन इंडिया में लॉ बनाने का पावर के लिए आर्टिकल 245 फोर्टी फाइव यहाँ पे दिया है और इसको मैं पहले पिक्चर में लाऊंगा ओके इसको ये क्या कहता है जैसा आपको मैंने कहा इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवाइड किया हुआ स्ट्रक्चर है सेंट्रल और स्टेट में इसलिए कोई एक बंदे के पास कभी भी लाइफ में कंप्लीट पावर नहीं जा सकती है क्योंकि पावर्स ही अलग अलग है सेंट्रल और स्टेट तो यहां पे आप आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही दिया है अब आप यहां आ जाइए देखिए आर्टिकल 245 क्या टू फोर्टी फाइव क्या कहते हैं पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट को पावर दी गई है और पार्लियामेंट के अंडर जो मिनिस्ट्री आती है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री उसका ड्राफ्ट बनाती है और वो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करती है स तो पार्लियामेंट ही करेगा और पार्लियामेंट मतलब ऑल 542 फोर्टी टू लोकसभा इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ठीक है तो अब समझ लो पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री आती है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री आती है रेवेन्यू मिनिस्ट्री आती है फिर और मिनिस्ट्री ड्राफ बनाती है और पार्लियामेंट के सामने रखती है पूरी प्रोसेस में आगे बताओगे डोंट वरी फॉर दैट आप वो प्रोसेस भी एंजॉय करोगे फिर यहां राष्ट्रपति का हमारे प्रेसिडेंट का आसन मिलता है पर ओके okay, यहां पे वो क्या कहते हैं आर्टिकल 245 क्या कहता है इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ओके अगर यहां पर स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाना है तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी विधानसभा मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों लॉ बनाएगी इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट लोकसभा बनाएगी और यहां पे स्टेट <coughs> से रिलेटेड लॉ बनाना है तो विधानसभा राज्यसभा नहीं बेटा राज्यसभा पार्लियामेंट का पार्ट है स्ट्रक्चर को हम मैंने इसके स्पेशल डिस्कशन आधे घंटे का रखा है एट द एंड ऑफ दिस सेशन वो हम जरूर करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन सिर्फ मुझे यहां से जीएसटी की तरफ बढ़ना है इसलिए थोड़ा ये डिस्कशन में ले लेता हूं ठीक है तो अब यहां पे अगर देखा जाए हम जो बात करने वाले हैं देखिए तो यहां यस पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इनको पावर दिया है लोकसभा और विधानसभा Article 246 में, में अब कौन से subjects पे कौन से पे बनाता है, वो article 246 में दिया गया है आई रिपीट कौन से subject पे कौन बनाता है, टू फोर्टी सिक्स में दिया गया है अब आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स मैंने आगे लिया है आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन में ओके okay, कोई बता सकता है अगर आपका बेसिक लेक्चर हुए होंगे इनकम टैक्स के और लॉ के तो शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट है था. Okay, कोई लिस्ट का नाम बता सकता है चलो फटाफट बताओ शेयर करो कितनी लिस्ट है तीन लिस्ट है बोलिए बेटा कौन कौन सी तीन लिस्ट है बोलिए यूनियन लिस्ट उसके बाद में क्या यूनियन लिस्ट उसके बाद में स्टेट लिस्ट और कॉनकर लिस्ट कॉनकरन लिस्ट ओके यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट सही है ये तीन लिस्ट है बोलिए बोली यहां कमॉन कमॉन बोलिए बोली यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट ये आपका हुआ है वेरी गुड वेरी गुड बहुत से स्टूडेंट ने यहां सही आंसर दिया है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है बेटा तो अब यहां पे जो यूनियन लिस्ट है ध्यान देना यूनियन लिस्ट है इसमें जो भी सब्जेक्ट्स दिए हैं इसमें जो भी सब्जेक्ट्स दिए हैं इसके ऊपर सेंट्रल लॉ बना सकती है जैसे मैं आपके रेफरेंस के लिए ले लेता हूं एंट्री नंबर इसमें एंट्री नंबर 82 82 इनकम टैक्स के लिए है एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स के लिए एंट्री नंबर 83 कस्टम्स के लिए है कस्टम्स के लिए एंट्री नंबर 84 एक्साइज के लिए थी ये जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं एक्साइज के लिए थी यहां पे जहां तक देखा जाए तो एंट्री नंबर फिफ्टी वन अगर आपको आगे आएगा एंट्री नंबर फिफ्टी वन इसमें तो एंट्री नंबर फिफ्टी वन यहां पे एक्साइज ऑन अल्कोहल के लिए था एक्साइज ऑन अल्कोहल के लिए ये आगे आएगा टेबल आपको बताओगा। उसके बाद में एंट्री नंबर ओके देखा जाए तो नेक्स्ट 54 ये टैक्स ऑन सेल पे था टैक्स ऑन सेल और परचेस पे था, पे था। सेल और पे जो से रिलेटेड एंट्री है अब जीएसटी जीएसटी की, के लिए एक किसी ने आंसर दिया है कि आर्टिकल 246 ए आया वो हम बाद में देखेंगे बेटा जीएसटी पिक्चर में लाई मत मैं पूरा जीएसटी की तरफ बढ़ रहा ओके और जीएसटी आया कैसे यही तो मैं बताना चाहता हूं यहां पे तो बेटा देखिए एंट्री नंबर 51 और एंट्री नंबर 54 वगैरह कुछ ऐसी थी। अब देखो ये तीन लिस्ट क्या कहती है यूनियन लिस्ट ध्यान सुनना यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है ऐसे 97 एंट्रीज है उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए तो 97 एंट्रीज पे सेंट्रल लॉ बना सकती है on, कौन कौन सेंट्रल लॉ बना सकती है उसके बाद में यहां पर लिस्ट टू में यहां पे स्टेट लिस्ट लिस्ट में ओके okay, जो सब्जेक्ट्स दिए या विधानसभा लॉ बना सकती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट दोनों पैरेलली लॉ बना सकती है सुनना मेरे बात ओके okay, दोनों पैरेलली लॉ बना सकती है मतलब कौन सेंट्रल भी बनाएगी और स्टेट भी बनाएगी जैसे ओके okay, इसमें कोई टैक्स रिलेटेड लॉ नहीं है अभी इसमें जो है टेररिज्म है ओके वुमेन वेलफेयर है जहां सेंट्रल में भी लॉ है और स्टेट में भी लॉ है तो ये बेसिक डिस्कशन आपके इनिशियल लेक्चर में इनकम टैक्स के या लॉ के लेक्चर में हुआ होगा नहीं हुआ होगा तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको ओके okay, तो यहाँ पे तीन लिस्ट दी है तो ओके okay, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को पावर दिया है लॉ बनाने का पार्लियामेंट कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी वो लिस्ट वन में दिया है ओके okay, स्टेट कौन से सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी लिस्ट टू में दिया है और फेडरल स्ट्रक्चर है दोनों एक में की पावर में इंटरफेयर नहीं करेगी जो जिसकी पावर है वो अपनी पावर यूज करेगा आप समझ रहे हैं बात को वो अपनी पावर यूज करेगा तो और तीसरा हम देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट जैसे टेरिज्म है वुमेन वेलफेयर है तो दोनों गवर्नमेंट यहां लॉ बनाएगी इज इट क्लियर यस और नो बहुत जोर से बोलो हां सर समझ में आ रहा है बोलिए यहां पे मैं आपके आंसर का ओके okay, जवाब चाहता हूं सॉरी मेरे क्वेश्चन uh, का जवाब चाहता हूं बेटा सो दैट हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सके बोलिए सर यहां पे कि यस समझ में आ रहा है नाउ अब डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहां पे बिल्कुल कुलदीप सही है आपका ओके okay, कुनाल सही है कि आप जो है तीन लिस्ट दिए यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट दिया गया है ठीक है अब मैं ये डिस्कशन से आपको क्या समझाना चाहता हूं जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी हमने तीन आर्टिकल देख लिया आर्टिकल 265 देख लिया जो कहता है कोई भी टैक्स फिर जीएसटी क्यों ना ओके कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो लॉ बनाइए उसके बाद में आर्टिकल टू फोर्टी है, थोड़ा सीरियस मोड पे कोई यहाँ क्योंकि यहाँ ये जो डिस्कशन है अब मैं यहाँ से थोड़ा सीरियस मोड पे लूंगा ओके मजाक मस्ती तो हम करेंगे पर यस आई नीड योर अटेंशन तो आर्टिकल 245 जो है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को पावर देता है और आर्टिकल 246 फोर्टी ये बताता है कि कहा पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कहां लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है अब नेक्स्ट पेज पे अगर आएंगे तो मैं इंडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर फर्स्ट जुलाई 2017 शायद ओके okay, आप टेंथ एलेवन में होगे उस वक्त जब 2017 की बात है ओके okay, रात को 12 बजे मोदी जी ने कहा कि आज से जीएसटी आ जाएगा पर एक जुलाई 2017 के पहले आई नीड योर अटेंशन ओके एक जुलाई दो के, के पहले इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा था और एक ही झटके में एक ही दिन में रात को 12 बजे मोदी जी ने यहां पे ये स्ट्रक्चर कैसा बदल दिया ओके okay, जीएसटी में कैसा लाया तो आपको अगर नया स्ट्रक्चर जानना है तो क्या आपको पुराना स्ट्रक्चर समझना जरूरी है हाँ सर ओके okay, क्योंकि पुराने से ही आपको नया स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो एक जुलाई 2017 के पहले ओके okay, इंडिया में क्या चलता था क्या गड़बड़ हो रही थी बिजनेस कम्युनिटी कैसे परेशान थी और इंडिया के लिए जीएसटी ये स्ट्रक्चर कैसे फिट हुआ कैसे यहां पर बेनिफिशियल हुआ चलो इसको समझते हैं ओके okay, तो दोस्तों यहां पर आइए मैं लेना चाहता हूं मुझे ये बताइए आपका जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूं और वो जनरल नॉलेज ये चेक करेंगे देखिए मुझे बताओ गुड्स में बिजनेस करने वाले और सर्विस के बिजनेस करने वाले कौन कौन लोग होते हैं गुड्स में और सर्विसेस में बिजनेस करने वाले कौन कौन लोग होते हैं अरे सभी आंसर दो हाउस द जोश बोलिए हाय सर हाउस द जोश यस जो या सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड है वो भी आंसर दीजिए बेटा मैं आपका आंसर देख रहा हूं चिराग ओल्ड इज गोल्ड नहीं नाउ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल देखेंगे हम न्यू बॉटल जीएसटी की वाइन तो ओल्ड ही है ठीक है बिजनेसमैन आंसर आया बिजनेसमैन गुड्स और सर्विस का बिजनेस कहा जाता है नहीं नहीं मुझे थोड़ा और डिटेल में जाके दो गुड्स में बिजनेस मैन बिजनेसमैन में गुड्स में बिजनेस करने वाले कौन लोग होते हैं होलसेलर बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर परुल का आंसर लेता हूं यस yes, मैन्युफैक्चरर ये जो गुड्स में बिजनेस करते हैं बहुत जरूरी है और कौन है बेटा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर चलो उनको मैं यहां पर ले लेता हूं ट्रेडर्स ट्रेडर्स जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और सर्विसेज में फिर अलग अलग सर्विस में प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं और अदर्स भी हो सकते हैं जो प्रोफेशनल्स नहीं पर सर्विसेज तो दे रहे सर्विसेज देने वाला तो वो पंक्चर वाला भी होता है वो भी सर्विसेज दे रहा है अदर्स होते हैं अब यहाँ पे इन, मैं आपसे एक बेसिक डिफरेंस पूछना चाहूंगा ओके और मैं सभी का आंसर चाहूंगा हाँ फिर वो प्रोपराइटर पार्टनरशिप फर्म नहीं ब्रॉड सेंस में बिजनेस करने वाला मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर फिर इसमें पर्सन की एंटिटी अलग होती है कि वो प्रोपराइटर हो इंडिविजुअल हो एच वगैरह लेकिन एक मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बना के बेचता है और एक ट्रेडर जो खुद गुड्स खरीद के बेचता है ठीक है यहां तक सभी फिक्स हो गए अब मैं आपसे ये आंसर चाहूंगा कमर मैं आपसे ये आंसर चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बिजनेस दोनों में क्या डिफरेंस है क्या बेसिक डिफरेंस है यस कुणाल कुलदीप बताइए बेटा परुल प्रेम प्रीतेश ओके okay, यहां पे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में क्या बिजनेस डिफरेंस है इनके बिजनेस में यानी मैं एक मैन्युफैक्चरर एक ट्रेडर एक सर्विस प्रोवाइडर मैं कहूंगा अलग अलग टाइप के सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंस बताइए चलो फटाफट आकांक्षा का आंसर आया है और कहा है मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाते हैं अच्छा ठीक है उसके बाद में मैन्युफेक्चरर प्रोडक्ट गुड्स एंड ट्रेडर्स आर बाय एंड सेल मतलब मैनुफेक्चरर रॉ मटेरियल खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर नाजमिन ने भी सही आंसर दिया है Learn something new. Yes, learn something new ने भी सही आंसर दिया है <laughs> चलिए अब थोड़ा मैं गुड्स के सेक्टर में आता हूं और यह जानना बहुत जरूरी है और फिर उसको डिटेल में जाएगा ओके देखो गुड्स के में बिजनेस करने वाले इंडिविजुअल हो सकता है एच हो सकता है ओके पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है कंपनी हो सकता है जो भी है वो तो पर्सन की एंटिटी है ओके पर बिजनेस दो ही हो सकते हैं एक तो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग में एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा जैसे जैसे ऐसा लो कि कोई बंदा रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल से एग्जाम्पल लो पिस्टन बना रहा है रॉ मटेरियल से पिस्टन बना रहा है पिस्टन नो डाउट रॉ मटेरियल से पिस्टन बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर है पिस्टन यहाँ पे ओके होंडा कंपनी परचेस कर रही है अब होंडा कंपनी पिस्टन परचेस कर रही है और उससे ओके okay, बाइक बना रही है ओके okay, तो ये भी मैन्युफैक्चर हुआ क्योंकि वो कुछ तो नया बना रहा है रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल से नया बना रहा है ओके okay, तो ये पहला मैन्युफैक्चरर को बेच रहा है यहाँ पे भी ओके okay, सेल हो रहा है उसके बाद में होंडा कंपनी उससे बाइक बना रही है ये भी मैन्युफैक्चर है ओके okay, यहाँ पे भी सेल हो रहा है फिर बाइक जो है डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा जा रहा है ओके okay, तो यहाँ पे भी सेल हो रहा है फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को बेचा जा रहा है ओके okay, यहां पे भी सेल हो रहा है होलसेलर से रिट, रिटेलर और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर ओके okay, जो भी है एक पूरी चेन चल रही है तो बताओ पहले दो लोग तो मैन्युफैक्चरर हुए क्योंकि कुछ बनाते हैं मुझे बताओ ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर ये कौन हुए ये कौन हुए डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर ये कौन हुए ओके आई नीड योर आंसर यस कुलदीप कुणाल और जो भी लाइव स्ट्रीमिंग में जॉइन ज्वाइन है लोकेश वगैरह और इधर यस चिराग प्रगति सुमित कृष्ण कुमार बताइए फटाफट ये मिडल मैन नहीं नहीं मिडल मैन ब्रोकर नहीं है वो वो गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं हाँ मैं मानता हूं कि वो इंटरमीडिएट है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लेकिन वो ब्रोकर नहीं है मिडलमैन ट्रेडर्स करेक्ट 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 मैं अब आपका ध्यान लाना चाहूंगा ट्रेडर्स है ओके ट्रेडर्स है बहुत बेसिक से मैं लेके जा रहा हूं आपको इतना धीरे धीरे लेके जा रहा हूं ना कि आपको जीएसटी इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप कहोगे वाह क्या बात है ठीक <laughs> है तो यहां पे ट्रेडर ये ट्रेडर हुए सॉरी ये ट्रेडर्स हुए तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है मैन्युफैक्चरर के भी चेन हो सकती है ओके एम वन ने जिस गुड्स रॉ मटेरियल खरीदा वो रॉ मटेरियल किसी एम जीरो ने बनाया होगा ओके okay, वो रॉ मटेरियल किसी एम जीरो ने बनाया होगा उसने खरीदा ओके okay, हो सकता है कि जो पिस्टन बनाने का जो ओके okay, मटेरियल लगता है उसने खरीदा उसने पिस्टन बनाया पिस्टन से सामने वाले का तो ये मैन्युफैक्चरर की भी चेन होती है और आगे ट्रेडर्स की भी चेन होती है आई बात समझ में यस और नो आई बात समझ में वेरी गुड ओके यानी गुड्स में बिजनेस करने वाले दो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब मैं इसको ऐसा कहूंगा कि गुड्स में बिजनेस करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं ट्रेडिंग सेक्टर होते हैं ओके okay, और सर्विस में फिर अलग अलग प्रोफेशनल सर्विस वगैरह वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं मुझे ये बताओ जो मुझेबल प्रॉपर्टी यानी हमारी बिल्डिंग ओके इमुएबल प्रॉपर्टी इमोबल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं समझ लो ये बंदा है इमुएबल प्रॉपर्टी परचेस करता है और इमुएबल प्रॉपर्टी सेल करता है इमोवेबल प्रॉपर्टी परचेस करता है और इमोवेबल प्रॉपर्टी सेल करता है फ्लैट ले रहा है बेच रहा है। okay, आ, रहा है, बेच रहा 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 है 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 ओके शॉप ले तो ये गुड्स का बिजनेस कहा जाएगा या सर्विस का बिजनेस कहा जाएगा इमोवेबल प्रॉपर्टी बोलिए चिराग बोलिए यहां पे कृष्ण कुमार बोलिए कुलदीप बोलो कि इमोवेबल प्रॉपर्टी का बिजनेस क्या ये गुड्स का कहा जाएगा या सर्विस का कहा जाएगा या किसका कहा जाएगा बिजनेस का नेचर समझ लो तो बिजनेस टैक्स समझ में आएगा बिजनेस का नेचर समझ लो बोलिए फटाफट आपसे आंसर चाहूगा और लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक like करते जाइएगा और नहीं भी अच्छा लग रहा होगा तो कीजिएगा आगे अच्छा आएगा जस्ट किडिंग मजाक कर रहा हूं ओके तो यस सर्विस नहीं 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 हम इमुएबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इमोएबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं कोई सर्विस विधि विधि ने सही कहा यह रियल एस्टेट बिजनेस है पूरा बिजनेस पूरे वर्ल्ड का बिजनेस तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा वर्ल्ड का बिजनेस तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है Either वो गुड्स में बिजनेस कर रहे हैं या सर्विसेज फिर वो ऑनलाइन सर्विस हो इंटरनेट सर्विस हो या कोई भी सर्विस सर्विस में बिजनेस कर रहा है गुड्स में बिजनेस कर रहा है सर्विस में बिजनेस कर रहा है या ओके रियल एस्टेट ये रियल एस्टेट कहा जाता है ये अच्छा इमोएबल प्रॉपर्टी गुड्स कही जाती है क्या कम ऑन इमोएबल प्रॉपर्टी गुड्स कही जाती है क्या नहीं कही जाती है इमोएबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं कही जाती है मतलब ओके okay, ये रियल इस्टेट का बिजनेस है और हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कुछ क्ल्यू दे रहा हूं मैं कुछ बताऊंगा नहीं सस्पेंस बहुत सारी बातें रखूंगा हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं और जीएसटी का कंसर्न तीन सेक्टर के बिजनेस है गुड्स सर्विसेज और रियल एस्टेट ओके इसका कंसर्न किस से आएगा आगे आगे देखिए होता है क्या ठीक है तो अब ऐसे केस में चलो देखते हैं यहां पे गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर 2017 के पहले एक बिजनेसमैन कैसे टैक्सेस पे करता था क्या होता था पहले ओके okay, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें यहां यहाँ पे अब ये बेटा कहीं से कॉपी नहीं किया है मेरी ग्राफिक्स टीम है जो ये सब बनाती है हर कैरेक्टर बनाती है एक शुगर मिल लेते हैं वो शुगर में okay, ओके गन्ने से ये गन्ना आ रहा है और ये गन्ने से ओके okay, यहाँ पे वो शुगर मैन्युफैक्चर कर रहा है ध्यान से सुनिएगा बेटा ये गन्ना आ रहा है और ये गन्ने से शुगर मैन्युफैक्चर हो रही है अब ये शुगर जो मैन्युफैक्चर हो रही है साइड में उसका बगास वगैरह सब वो भी बाय प्रोडक्ट निकल रहा है तो पहले क्या होता था जब ये मैन्युफैक्चर होता था और जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से निकल रहा है जिस दिन गुड्स फैक्ट्री से निकल रहा है समझ लो ये बेचा गया ये सेल कर दिया गया तो जब इसको सेल किया गया तो इसके इसका इनवाइज बन रहा है इसका इनवाइज बन रहा है ओके okay, जब फैक्ट्री से सेल हो रहा है इन्वाइस बन रहा है अब बेटा जब इसका इन्वाइस बन रहा है प्राइस है यहाँ पे प्राइस है एक लाख रुपए प्राइस है एक लाख रुपए ये बिजनेसमैन है अब ओके होता क्या था होता ये था कि समझ लो पहला ऑफिसर आ गया और ये पहले ऑफिसर ने कहा अच्छा आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया आ, इसने कहा हाँ हाँ सर मैन्युफैक्चर किया मैंने ओके okay, तो अच्छा आप बेच रहे हो कुछ कमा रहे हो हां सर बस बिजनेस से कुछ कमा ले रहे तो एक सेंट्रल ऑफिसर कहता है तुमने कमाया तुमको मिला हमको भी चाहिए ओके okay, तुमको मिला हमको भी चाहिए तो ये बिजनेस से ओके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लेती थी जिसका नाम था बताइए आप मेरे बोलने के पहले आप ही बताइए जिसका नाम था ओके okay, मैन्युफैक्चरिंग पे एक टैक्स लगता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था जिसका नाम था अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो बोलिए क्या नाम था उसका नाम था बेटा यस एक्साइज एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी उसका इवेंट था मैन्युफैक्चरिंग एट द रेट टेन परसेंट कल ही मैंने पढ़ाया हर एक्ट में एक इवेंट था और उस इवेंट पे टैक्स रखा है और जिसने भी उस इवेंट को टच किया इसने मैन्युफैक्चरिंग को टच किया करंट लगा और करंट सेंट्रल ने मारा एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल के कंट्रोल में थी अगर अगर अभी आपको ये लिस्ट याद होगी लिस्ट वन वेरी गुड वेरी गुड सब कह रहे एक्साइज ड्यूटी वेरी गुड तो मैन्युफैक्चरिंग पे आई रिपीट मैन्युफैक्चरिंग ये इवेंट पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर किया है और एक्साइज ड्यूटी यानी कितना बेटा 10 और ये रेवेन्यू किसने लिया सेंट्रल ने लिया ये रेवेन्यू सेंट्रल ने लिया ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पैसा लिया अब इसी बिजनेसमैन से इसी बिजनेसमैन से अब प्राइस होगी एक लाख दस हजार ध्यान से देखना और आपके पास नोट से तो आप भी लिखते जाइए एक लाख दस हजार अब दूसरा देखो इसने दो इवेंट को टच किया कौन से दो इवेंट को टच किया एक था मैन्युफैक्चरिंग ये देखो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग को एक था सेल ओके तो एक ही बंदा जितने इवेंट को टच करेगा उतने टैक्स देगा तो इसने मैन्युफैक्चरिंग को टच किया सेंट्रल वाले आ गए सेंट्रल वाले ने कहा बेटा तू सेल कर या मत कर तूने मैन्युफैक्चर किया ना कुछ बनाया ना कुछ ओके कि किसी बात का उत्पादन किया ना ओके कि तुझे एक्साइज देना पड़ता था और रियली ऐसा होता था कि आप सेल करें या ना करे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएसटी के लिए आगे आप सेल करें या ना करें आपने कुछ बनाया एक्साइज लग जाती थी एक्साइज लग जाती थी मैं में सब कुछ पढ़ाता था, था पहले ठीक है तो यहां एक्साइज लग गई उसके बाद में ओके अब वो बंदा सेल कर रहा है अब अगर आपको ये जो है लिस्ट याद होगी तो एक्साइज तो हमने लगा दिया यूनियन सेंटर वालों ने अब वो बंदा सेल कर रहा है सेल पे टैक्स लगाने का पावर सेल पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास था एंड टैक्स ऑन सेल और परचेस ओके okay, तो जैसे वो बंदा सेल कर रहा है इसलिए इसी वैल्यू पे एक लाख दस हजार इसी वैल्यू पे वैट या सेल्स टैक्स लगता था वैट या सेल्स टैक्स लगता था और वो भी समझ लो अज्यूम करते रेट टेन परसेंट यानी ग्यारह हजार रुपए जो है ओके okay, वो वैट और सेल्स टैक्स हाँ, और ये होता था ऐसा कि वैट और सेल्स टैक्स लगाने के लिए एक्साइज भी ऐड हो जाती थी अगेन कैस्केडिंग इफेक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट क्योंकि टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था तो यहां पे ग्यारह हजार रुपए सेल्स टैक्स लगा और ये बताइए रेवेन्यू किसका तो ये रेवेन्यू स्टेट वालों का था मतलब क्या ओके इस बिजनेसमैन इस बिजनेसमैन वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मुझे भी चाहिए और स्टेट पीछे से आ रहा है और कह रहा है मुझे भी चाहिए भाई तू बिजनेस कर रहा है ओके मुझे भी चाहिए बात आपके समझ में अगर आई होगी बात से समझ में तो जोर से कहो हां ओके जोर से कहो हां ओके और <coughs> now, अब टोटल कितना हुआ एक लाख इक्कीस हजार रुपए अब अब यहां पे ऑक्ट्रा लगता था ऑक्ट्रा एलबीटी आपने कभी नाम सुना होगा ऑक्ट्रा या एलबीटी वह लोकल ऑथोरिटी का रेवेन्यू था समझ लो चार हजार रुपए ऑक्ट्रा और एलबीटी लग गया टोटल प्राइस एक लाख पच्चीस हजार रुपए और ये ऑक्ट्रा और एलबीटी जो था यह लोकल ऑथोरिटी का रेवेन्यू था क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए था बिजनेसमैन से बिजनेस से ओके लोकल ऑथोरिटी का रेवेन्यू था मतलब ओके जब गुड्स निकल रहा है मैन्युफैक्चरिंग के फैक्ट्री से जब गुड्स मैन्युफैक्चर के फैक्ट्री से निकल रहा है तो एक्साइज लगी सेंट्रल ने अपना टैक्स लिया सेंट्रल ने कहा मजा आ गया स्टेट ने अपना टैक्स लिया okay, कहा मजा आ गया और ऑक्ट्रा एलबीटी ने अपना टैक्स लिया और कहा मजा आ गया और ओके okay, ये मैन्युफैक्चर ने कहा अरे सजा हो गई ओके okay. ये तो कह रहे मजा होगी ओके okay. और ये कह रहे सजा होगी अब सजा कैसे हुई मैन्युफैक्चरर को ध्यान से सुनो ओके okay. और बात आप तक पहुंच रही और मजा आ रहा होगा तो लिखिए सर मजा आ रहा है ओके okay. <laughs> तो यहां पे लिखिए मजा आ रहा है तो यहां टैक्स जो है तो ध्यान से सुनिए इसको सजा कैसे हुई अब देखो आपको बताता हूं पहले एक्साइज वाले ऑफिसर है भाई पहले एक्साइज वाला ऑफिसर आ गया ओके फैक्ट्री चेकिंग के लिए उसने रेड किया ओके तुम एक्साइज बराबर बड़ पे कर रहे कि नहीं कर रहे तुम्हारे स्टॉक स्टेटमेंट बताओ मैन्युफैक्चर गुड्स बताओ रॉ मटेरियल बताओ ये बताओ किसको सेल किया सेल सबके लिए बेस इवेंट था यानी एक्साइज के लिए भी सेल के साथ एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे थी लेकिन वैल्यू वा, तो सेल वैल्यू ली जाती थी वैल्यू तो सेल वैल्यू ली जाती थी

और किस कोई बाहर नहीं जाएगा फैक्ट्री के तुम्हारे रेड चालू है इन्वेस्टिगेशन चालू है अब सब चेक किया जा रहा है स्टेटमेंट देखे जा रहे हैं ओके डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है परेशान किया जा रहा है न यहां पे ये मैन्युफैक्चरर सर टी कॉफी टी कॉफी मतलब सर बाजू में आ जाइए कुछ दियो क्या आपको फिर यहां पे वैट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर आ रहे हैं ये तो सेंट्रल क्या है वैट डिपार्टमेंट के ऑफिसर आ रहे हैं और ये वैट डिपार्टमेंट के ऑफिसर कह रहे हैं कि हमें भी चेकिंग करनी है ओके okay, हमें भी चेकिंग करनी है चलो तुम्हारा और बताओ तुम्हारी सेल बुक बताओ तुम्हारे इन्वाइसेज बताओ ओके okay, हम भी चेक करेंगे अब मैन्युफैक्चरर को परेशान किया जा रहा है तो अब ये बंदा क्या कह रहा है सर अभी तो एक्साइज वालों ने रेड किया है वो तो इन्वेस्टिगेट करके गए ओके okay, उन्होंने रिकॉर्ड चेक किए तो नो स्टेट गवर्नमेंट वाले कह रहे वो एक्साइज के रिकॉर्ड से हम वैट के हिसाब से देखेंगे वैट के रिटर्न अलग रिटर्न मतलब एक फॉर्म होता है कभी आपने इनकम टैक्स रिटर्न नाम सुना होगा वैट रिटर्न नाम सुना होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे हम ओके तो इसके वैट के रिटर्न अलग एक्साइज के रिटर्न अलग देखो प्रॉब्लम समझ लो एक बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम था पहले एक्साइज वाले को मैनेज किया उसके कंप्लायसेस को मैनेज किया फिर वैट वाला आया वैट वाले को ओके वैट के स्टॉक लेजर अलग अब वैट

ओके यस निकुंज ने एक वर्ड यूज किया लूट लिया सबने अब देखो लूट नहीं लूट तो लिया ही एज वेल एज सबको परेशान भी कर दिया क्योंकि सबके फॉर्मेट अलग स्टॉक लेजर अलग रिकॉर्ड्स अलग रिटर्न अलग सब अलग अलग अभी तो लोकल बॉडी वाला आना बाकी है ओके लोकल बॉडी वाला आ गया उसने कहा चल भाई रिकॉर्ड्स बता तेरे ओके तूने टैक्स सही किया पे नहीं किया कि मैं करना चाहता हूं। नहीं वो नहीं चले हमारे हिसाब से अलग बना <coughs> हमारे हिसाब से अलग बना तेरे रिटर्न कंप्लायसेस रिकॉर्ड अलग बता ये तो तीन से बिजनेस टैक्स थे अभी तो इनकम टैक्स वाला आना बाकी है वो तो बाप है वो तो छोड़ेगा नहीं तो इन सिंपल वर्ड यहाँ पे ये तो रेड करके जा रहे और ये क्या करते पता है ऑफिसर एक दूसरे को देते मैंने रेड किया यार बहुत कुछ गड़बड़ मिली जाके तू भी कर बैठ वाला जाके तू एलबीटी वाला भी कर कर परेशान कुछ तो देगा कुछ तो देगा और फिर इनकम टैक्स वाले को भेज देते तू भी कर ओके देख क्या होता है तो यहाँ पे ओके तो ये सब ने मिलकर पागल बना दिया एक बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन वाला कहता है अरे मुझे बिजनेस करना है यार तुम्हारे टैक्स में <laughs> मैं क्या करूं बिजनेस करना है यार <laughs> <laughs> एग्जाम्पल दे रहा हूं सच में ये अलग अलग टैक्सेस थे एक्साइज था वैट था ऑक्ट्रा था सर्विस टैक्स था एंटरटेनमेंट टैक्स था लग्जरी टैक्स था मैं बताऊंगा एक एक परेशान हो गए बिजनेस कोई एक लगाओ यार एक लगाओ यार कॉमन प्रोसीजर रखो कॉमन रिकॉर्ड रखो कॉमन रिटर्न रखो कितना अच्छा हो जाएगा अरे हा ना तो यहां पे तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यस ये परेशानी तो थी और एक ही बंदे पे अलग अलग टैक्स विथ कैस्केडिंग इफेक्ट तो था मैन्युफैक्चरर की हमने बात की आपको आ रही बात समझ में उसके बाद में हम लेते हैं ट्रेडर की बात बेटा मैन्युफैक्चरर सबके समझ में आया अगर सबके समझ में आया तो जो भी मेरे से कनेक्टेड है बोलिए हां जो भी लाइव स्ट्रीम में कनेक्टेड है बोलिए हां यस सर अच्छे से समझ में आया और जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है वो भी कहेंगे हां यस सर अच्छे से समझ में आया जस्ट मिनट बेटा हेलो तो थोड़ा आज इंटरनेट का प्रॉब्लम जा रहा है हेलो हाँ चलिए तो बेटा मेरा आपको यह कहना है आपको कोई दिक्कत नहीं ना मैं क्लियर दिख रहा हूं ना हाँ ठीक है जस्ट ए मिनट चलो <coughs> तो बेटा ये डिस्कशन समझ में आया होगा तो जोर से अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबाइए चलिए तो आता आताओ मजा कर रहा हूं यहाँ पे आ, ट्रेडर ट्रेडर की बात अगर हम करें तो मैन्युफैक्चरर ये मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूं कि भाई जीएसटी आया कैसे आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि सर जीएसटी की जरूरत थी और ये प्रॉब्लम से आप खुद ही बोलोगे नहीं सर जीएसटी लाना जरूरी है कोई एक टैक्स लाना जरूरी है देखो आपके अंदर से आवाज निकल कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जीएसटी की जरूरत होनी चाहिए ओके okay, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे सेल ऑफ गुड्स विद इन स्टेट ट्रेडर अब ये जो बेटा ट्रेडर है अब आपसे एक बेसिक सवाल पूछना आपसे एक बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा सेंट्रल वाला आ रहा है और सेंट्रल वाला कह रहा है कि भाई तू ट्रेडर है तू हमें टैक्स दे एक्साइज दे और ये सेंट्रल वाला ऑफिसर ये ट्रेडर से ट्रेडर है बेटा ओके वो डीलर है कार परचेस कर रहा है कार बेच रहा है क्या ये ट्रेडर एक्साइज देगा क्या एक ट्रेडर एक्साइज देगा क्या बेटा ये लेक्चर में पार्ट वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक लेक्चर मेरा तीन घंटे का होता है तो उसका पहला पार्ट आज दूसरा पार्ट कल ऐसा होगा ऐसा होगा इसलिए पार्ट वन लिखा हुआ है ठीक है तो मुझे ये बताओ ट्रेडर एक्साइज देगा क्या फटाफट बोलिए क्यों नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि बेटा मैंने कहा था कि टैक्सेस कुछ इवेंट्स पे होते हैं और वो वो इवेंट्स को 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 टच 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 किया किया कि टैक्स टैक्स लगेगा वो इवेंट को किया तो लगेगा इवेंट इवेंट तो इसने मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं किया उसने ओनली सेल किया है हाँ बेटा ये सेल कर रहा है ओके okay, कस्टमर को ये जो है वो सेल किया जा रहा है लेकिन ओनली सेल किया है तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम इसकी इनवाइस प्राइस देखें तो इस पर एक्साइज नहीं आएगी इनवाइस प्राइस देखें तो यहां पे अगर इसका इन्वाइस देखे तो ये बेचते वक्त अपना इन्वाइस बना रहा है और वो अगर बना रहा है वो अगर बना रहा है तो अब यहां पर प्राइजे समझ लो दो लाख रुपए प्राइजे समझ लो दो लाख रुपए ठीक है तो एक्साइज तो नहीं लगेगा क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है इसने क्या किया पहले वाले बंदे ने मैन्युफैक्चर करके ट्रेड किया है यानी एक मैन्युफैक्चरर ट्रेडर होता है क्योंकि वो सेल कर रहा है मैन्युफैक्चर करके ट्रेड किया है तो यहां पे जहां तक देखा जाए सिर्फ ट्रेड हुआ है तो यहां सिर्फ वैट लगेगा वैट या सेल्स टैक्स लगेगा अज्यूम करो एट द रेट बीस तो हजार रुपए ओके आप लिखते जाओ मेरे साथ दो लाख बीस हजार रुपए ओके ये टैक्स और एलबीटी लोकल बॉडी टैक्स या फिर ऑक्ट्रा ये लगेगा और वो समझ लो यहाँ पे पांच हजार रुपए एज्यूम करता हो प्राइस है दो लाख पच्चीस हजार रुपए दो लाख पच्ची हजारुपए यहां तो कोई यहां पे कंफ्यूजन बेटा यस और नो अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आ लेना चाहूंगा वैट और सेल्स टैक्स किसका रेवेन्यू है स्टेट का रेवेन्यू है और क्योंकि वो लिस्ट टू में लगाया जाता है तो यहां पे वो स्टेट का रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा रखती है और लोकल बॉडी टैक्स ये लोकल ऑथॉरिटी रखती है लोकल ऑथॉरिटी लगती है ऑक्ट्रा या लोकल बॉडी टैक्स पहले लगते थे लोकल ऑथॉरिटी लगती है वैट मीन्स हां एक बेसिक सवाल है वैट मीन्स वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स लेकिन आ, भक्ति प्रेम वैट अभी आप ये वर्ड पेल्यू ध्यान मत रखना सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स तो आपको समझ में आ रहा है ना ओके टैक्स ऑन सेल टैक्स ऑन सेल जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं अभी आप यही वर्ड रखो मैंने वैट वर्ड यूज कर लिया लेकिन आप दिमाग में अभी सेल्स टैक्स वर्ड ही रखो मैं सेल्स टैक्स से वैट पे आऊंगा और वैट से जीएसटी पे आऊंगा ठीक है भित, भक्ति बेटा ओके okay, चलिए तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट अब आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो ट्रेडर है ट्रेडर से सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है यानी ट्रेडर्स जो बिजनेस कर रहे हैं आई रिपीट ट्रेडर्स जो बिजनेस कर रहे हैं उसका रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है और लोकल ऑथोरिटी को सेंट्रल को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि एक्साइज इन लोगों पे लग नहीं सकती क्योंकि एक्साइज का इवेंट था मैन्युफैक्चरिंग यहां तक सभी एग्री है मेरे से यस जोर से बोलो यस ओके यहां पर अब नेक्स्ट डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं क्या इसमें क्या हो रहा था एक बात अभी से बता देता हूं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं तो भी नाराज भी हो रही थी क्यों नाराज हो रही है मैं बताता हूं जैसे आप लो एक्ञाम्पल लो कि भाई गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया अब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ध्यान से सुनो मैन्युफैक्चरिंग जैसे बाइक बाइक मैन्युफैक्चर होगी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे एक्साइज भी कलेक्ट हो गया सुनना एक्साइज भी कलेक्ट हो गया और वैट भी कलेक्ट हो गया क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर को दोनों टैक्स देने पड़ेंगे एक साइज और वैट और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ वैट देगा वैट मतलब सेल्स टैक्स सिंपल वर्ड में सेल्स टैक्स समझ लो आगे ट्रेडर ट्रेडर भी वैट देगा वैट देगा और ये भी वैट देगा मतलब ये जो है यहां सेंट्रल को सिर्फ मतलब यहां, यहां रेवेन्यू मिला सेंट्रल को सिर्फ यहां रेवेन्यू मिला और स्टेट को यहां पे भी मिला ओके okay, यहां पे भी मिला स्टेट को यहां पे भी मिला स्टेट को यहां पे भी मिला और स्टेट को जो है यहां पे भी मिला तो गुड्स के जब बिजनेस होते थे तो सेंट्रल को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज इतना बड़ा चेन नहीं होता है दो तीन मैन्युफैक्चरर इतना बड़ा चेन नहीं होता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही रेवेन्यू मिलता था वो था एक्साइज का और बाकी जो है जब वो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर तो यहां पे जो है बेटा जो टैक्स मिल रहा है वो स्टेट को ही मिल रहा है सेंट्रल को कुछ नहीं मिल रहा है कभी कभी तो ऐसा होता था कि यहां पे बाइक समझ लो यहां बीस हजार की होगी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे बीस हज़ार की बाइक होगी तो और रिटेलर यानी जो रिटेल ट्रेडर है वो उसको चालीस हजार में बेच रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लेकिन ये जो चेन से गुड्स आता है तो वो आखिरी वैल्यू ज्यादा हो जाती है क्योंकि सब अपना वैल्यू एडिशन करते हैं याद आ रहा है आपको सब अपना वैल्यू एडिशन करते हैं तो बीस का गुड्स जब यहाँ चालीस का बनता था तो ये जो ट्वेंटी एक्स्ट्रा का वैल्यू एडिशन हुआ ध्यान से सुनो ट्वेंटी थाउजेंड एक्स्ट्रा का वैल्यू एडिशन हुआ ये एक्स्ट्रा ट्वेंटी थाउजेंड यानी डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ ऐड किया होलसेलर ने ऐड किया रिटेलर ने ऐड किया और वो प्राइस पहुंची चालीस हजार तक तो ये एक्स्ट्रा ट्वेंटी थाउजेंड पे सिर्फ स्टेट ने रेवेन्यू लिया सेंट्रल ने कुछ लिया ही नहीं यानी गुड सेक्टर में आई रिपीट मैं बस एक लाइन कंक्लूड करना चाहता हूं प्रॉब्लम की इतना डिटेल में मत जाओ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं लेकिन गुड सेक्टर में ओके मैक्सिमम रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी सेंट्रल को सिर्फ एक्साइज के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम मिल रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कस्टम मिल रहा था, में रहा था आई के बाद समझ में तो ये ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये भी था पुराना चलो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर ये दोनों सेक्टर आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होप सो यस और नो जोर से बोलो सही है क्या चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नाउ नेक्स्ट यहां पे अब गुड सेक्टर में क्या होता था ध्यान से सुनिए पहले गुड सेक्टर में क्या होता था यहां <coughs> पानी पे लेता हूं यार चलिए जब सेल होता था मे बी मैन्युफैक्चर के थ्रू या ट्रेडर के थ्रू तो सेल दो इसमें डिवाइड होती थी ऐसा दो स्टेट लेता हूं महाराष्ट्र एंड गुजरात महाराष्ट्र एंड गुजरात इसलिए मैं बेसिक से ले रहा हूं देखो वो एक सवाल आ गया व्हाट डू यू मीन बाय वैट अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाऊँ कि पहले वैट लगता था एंड फिर ये तो ऐसे केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक नहीं पता है इसलिए इतनी छोटी छोटी बातों से मैं ले रहा हूं ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात अब जब महाराष्ट्र का बंदा जैसा टीवी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा या वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर कर रहा होगा और वो जो है महाराष्ट्र में बेच रहा होगा या गुजरात में बेच रहा होगा तो यहां पे दो वर्ड यूज किए जाते थे आपको बताया कौन से दो वर्ड बताइए मैं वेट कर रहा हूं ये दो वर्ड यूज किए जाते थे बताओ कौन से दो वर्ड्स बताइए बेटा कौन से दो वर्ड्स वेट कर रहा आपके आंसर का वैट एंड सीएसटी सुमन का आंसर आया वैट और सीएसटी साहिल का आंसर आया वैट और सीएसटी और कोई बोलिए फटाफट हाँ शिवम ने एक वर्ड यूज किया इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट अब देखो यहां पे ये था इंटरस्टेट इसे कहा जाता था इंटरस्टेट और इसे कहा जाता था इंटरस्टेट सेल और इसे कहा जाता था इंट्रा स्टेट सेल इंट्रा स्टेट सेल मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर बेच रहे हो तो इसे कहा जाता था इंट्रा स्टेट सेल और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को बेच रहे हो तो उसे कहा जाता था इंटर स्टेट सेल हाँ अब देखो पुराने लॉ क्या थे जब आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो स्टेट यानी इन स्टेट इंट्रा मतलब विद इन स्टेट अगर आप स्टेट कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में इसके ऊपर ध्यान से सुनना इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया हुआ था सेल्स टैक्स ओके और वो सेल्स टैक्स जिसे वैड भी कहते थे ध्यान से सुनना जिसे वैड भी कहते थे और ये सेल्स टैक्स का रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था ओके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका पैसा लेती थी यहां तक आई बात समझ में एक बार फिर से इंट्रास्टेट सेल होती थी इंट्रास्टेट सेल में सेल्स टैक्स लगाया जाता था या उसे वैड भी कहते थे और उसका रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलता था डन आगे बढ़ू अब अब क्या हुआ 1950 से लेके तो 1957 तक मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं 1950 से लेके 1957 तक क्या गड़बड़ हुई थी और फिर पिक्चर में क्या आया सेल तो फिर यहां पे भी हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर महाराष्ट्र से गुजरात अब महाराष्ट्र से गुजरात जब सेल हो रही है तो इस पर ध्यान से सुनना इस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स ले रही है सेल्स टैक्स लगा के महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमारे स्टेट से सेल हुआ सुनना ओकि उन्नीस 1950 से लेकर उन्नीस तक यह झगड़ा चला महाराष्ट्र स्टेट का कहना था मेरे स्टेट से माल बेचा गया इसलिए इस पे सेल्स टैक्स कलेक्ट करने का पावर जो है मेरे पास है और वो मेरा रेवेन्यू रहेगा नाउ गुजरात गवर्नमेंट ये कहती थी कि ऐसे कैसे मेरे स्टेट का बंदा इसको खरीद रहा है और आप इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स था और सेल्स टैक्स आप मेरे बंदे बंदे पे बर्डन पास ऑन कर रहा है मतलब इनवॉइस में आप जब इनवॉइस दोगे तो सेल्स टैक्स लगा के दोगे यानी अल्टीमेट बर्डन मेरे बंदे ने लिया है तो इस इसपे जो टैक्स लगेगा उसका रेवेन्यू यानी ये ये जो रेवेन्यू जो सेल्स टैक्स का या ये कहते थे इस पर हम परचेस टैक्स लगाएंगे और इसका रेवेन्यू हम लेंगे क्यों क्योंकि हमारे स्टेट में परचेस हुआ हमारा बंदा वो टैक्स बेयर कर रहा है तो हमें चाहिए यानी क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन एक ही हुआ ध्यान से सुनना ट्रांजेक्शन एक ही हुआ लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहती है कि मेरे स्टेट से माल बेचा गया मुझे टैक्स चाहिए ओके गुजरात गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं मेरे स्टेट में माल खरीदा गया मुझे चाहिए ओके मुझे टैक्स चाहिए दोनों स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है लड़ती है बेटा क्योंकि गुजरात में बीजेपी है महाराष्ट्र में शिवसेना है तो दोनों आप अपना रेवेन्यू के बारे में सोचेंगे ओके okay, आप समझ रहे हो बात को दोनों आप अपने रेवेन्यू के बारे में सोचेंगे तो ऐसे केस में उन्नीस में यहां पे नेहरू जी ने अब हुआ क्या बेटा फिर ओके okay, इतने झगड़े चले स्टेट के इसमें बिजनेसमैन तब बहुत परेशान हो गया था कि ये क्या चल रहा है यार ओके okay, एक ही ट्रांजेक्शन हुआ सेल ये सेल्स टैक्स ले रहा है ये उसी ट्रांजेक्शन का परचेज टैक्स ले रहा है यानी दो दो बार टैक्स दे रहा हूं सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या इसीलिए हमें फ्रीडम मिला क्या हम इसलिए लड़े क्या ये आजादी ही ये आजादी थी तो ऐसे सिचुएशन में बेटा जहां तक देखा जाए तो दो बार टैक्स कलेक्ट करना एक ही ट्रांजेक्शन पे बहुत गलत था बहुत गलत था तो फिर सेंट्रल ने इंटरफेयर किया और सेंट्रल ने कहा देखा कि स्टेट झगड़ रहे हैं जो बिजनेसमैन परेशान हो रहा है तो नेहरू जी ने कहा कि एक काम करते जब सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा सुनो अब नेहरू जी क्या कह रहे हैं जब सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो लगेगा सेल्स टैक्स लेकिन अब वो सेल्स टैक्स स्टेट वाला नहीं होगा वो सेंट्रल सेल्स टैक्स होगा वो सेंट्रल सेल्स टैक्स होगा ओके okay, और स्टेट उस पर कलेक्ट नहीं करेंगे भाई ये दो स्टेट का मामला हो गया अब स्टेट नहीं कलेक्ट करेंगे वो लगेगा सेल्स टैक्स पर वो लगेगा वो लगेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सेल्स टैक्स में दो पार्ट बन गए सुनो 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 ओके बेटा सेल्स टैक्स में दो पार्ट बन गए क्योंकि सेंट्रल ने कहा कि भाई जब मामला दो स्टेट का आ जाएगा जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो सिचुएशन में सेल्स टैक्स लगेगा लेकिन सेंट्रल लगेगा और इसका रेवेन्यू सेंट्रल रखेगी और जब आपका इंट्रा होगा तो स्टेट रखेगी तो अब देखो क्या हुआ सेल दो टाइप में डिवाइड होगी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट इंट्रा पर कौन सा टैक्स लगता था सेल्स टैक्स और इंटर पे कौन सा टैक्स लगता था ओके यहां पे <coughs> सीएसटी तो स्टेट वालों को हटा दिया गया अब स्टेट वाले डर गए यार जो अभी तक तो यानी उन्नीस से पचास उन्नीस सौ पचास से लेकर उन्नीस सौ सत्तावन तक जब सेल हो रही है क्यों ना अदर स्टेट में हो रही है रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी, थी सेल्स टैक्स का और झगड़ा चालू था सेल्स टैक्स और परचेस टैक्स का पर एटलीस्ट स्टेट को तो मिल रहा था अब सेंट्रल ने वो वो पावर ले ली और सेंट्रल ने कहा जाओ तुम सब स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो तो ओके ये सीएसटी लगाया जाएगा क्या कह रहा हूं मैं सीएसटी लगाया जाएगा सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाएगा और वो उसका रेवेन्यू सेंट्रल ले लेगी तो सभी स्टेट ये होगी कि अच्छा अभी तक जो रेवेन्यू हमारा था हमारे झगड़ों के कारण तुमने ना बीच में आके अपना वो मार दिया okay, और के और रेवेन्यू लेके चले गए ओके okay, रेवेन्यू लेके चले गए ये तो गलत हो गया ये तो गलत हो गया तो स्टेट वाले अब कैसा बेटा अभी तक तो स्टेट झगड़ रहे थे कि नहीं मेरा टैक्स मेरा टैक्स औके okay, कोई तीसरा आके लेके जा रहा है तो अब स्टेट वालों ने ओके okay, सेल्स टैक्स के लिए परमिशन इससे सीएसटी के लिए परमिशन ही नहीं दी राज्यसभा में कि ऐसे कैसे सेंट्रल लेके जाई थी वो रेवेन्यू हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा तो हम ही लेंगे तो फिर फिर सेंट्रल वालों ने कहा यार तुम तो झगड़ रहे हो और झगड़ रहे हो उसमें नुकसान बिजनेस वालों का हो बिजनेसमैन वालों का हो रहा है और तुम्हारे झगड़े के वजह से बिजनेसमैन वाले क्यों सफर करे? अब एक एकजुट होकर आए हो जब सेंट्रल ने अपना मुंह मारा है उसके अंदर अब एकजुट होकर आए हो और अब कह रहे हो कि नहीं 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 हमारा रेवेन्यू हमें वापस करो ओके हमारा रेवेन्यू हमें वापस करो अब आप उसमें दे रहे हो प्लीज यहां पे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बी बीएम गुज्जू गेमिंग जो भी है स्पैम ना करे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये सी इंटर रेगुलर क्लास चालू बेटा उनका नुकसान मत करो अगर आप सेम प्रोफेशन में हो तो प्लीज उनका नुकसान मत करो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्हें समझाने जा रहा हूं ओके okay, यहां पे वो बेटा बहुत बेसिक लेवल पे है प्लीज तो अब यहां पे देखिए तो पूरी हिस्ट्री फिर से समझ लो पहले झगड़ा था कि मैं टैक्स लूंगा मैं टैक्स लूंगा सेंट्रल ने कहा सी लगाएंगे तुम्हारा झगड़ा हटाओ फिर सीएसटी में रेवेन्यू सेंट्रल ने ले लिया स्टेट वालों ने कहा ऐसा कैसे अभी तक तो रेवेन्यू हमारा था सेंट्रल जो है ओके अब आके रेवेन्यू लेके जा रही है तो फिर ये डिसाइड हुआ अब मैं जो स्टेटमेंट देने जा स्टेट दूसरे स्टेट में बेचा जाएगा दूसरे स्टेट में बेचा जाएगा जिसे हम इंटर स्टेट सेल कहेंगे उस पर लगेगा सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स ओके वैट नहीं सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा और ये रेवेन्यू ये रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि ये लॉ सेंट्रल का ही होगा ये रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को दे देगी जो स्टेट से सेल हुआ यानी बाय स्टेट को नहीं ये रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और उस स्टेट को दे देगी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं रखेगी वो रेवेन्यू स्टेट को ही देगी पर उस स्टेट को देगी जो जहां से सेल हुआ क्यों क्योंकि इसका सेंट्रल सेल टैक्स लगा तो जहां से सेल हुआ उस स्टेट को दे दिया जाएगा तो यहां सभी स्टेट ने कहा चलो ठीक है एटलीस्ट स्टेट को तो मिल रहा है तो इंपॉर्टेंट बात क्या है लेवी सेंट्रल करेगी लॉ सेंट्रल बनाएगा लेकिन पैसा कलेक्ट करके कौन से स्टेट को दिया जाएगा सेलर स्टेट को इसीलिए इसको ओरिजिन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है यह वर्ड बड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है ओरिजिन बेस्ड टैक्स इसको ओरिजिन वेरी गुड वेरी गुड यहां पे सुमन ने आंसर दे दिया उसका ओके okay, इसको ओरिजिन बेस यही तो चाहता हूँ बेटा कि मैं जो कहने जा रहा हूं एक एक धागा एक एक धागा इतना इंपॉर्टेंट है कि हम व्यू करके पूरा एक कपड़ा बनाएंगे एक यहां पे मटेरियल तो बनाएंगे जीएसटी का ओके okay, करेंगे एक एक चीज को uh, सुमन तुमने बिल्कुल सही कहा ओरिजिन बेस ओके क्योंकि सीएसटी जो है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि नहीं ओके okay, जो डेस्टिनेशन पे गुड्स जा रहा है जो डेस्टिनेशन पे गुड्स जा रहा है यानी गुजरात ओके okay, उसको नहीं दिया जाएगा जहां से ओरिजिन हुआ उस गवर्नमेंट को ये टैक्स बांटा जाएगा तो टैक्स के दो वर्ड पिक्चर में आते हैं फ्यूचर में ओरिजिन बेस्ड टैक्स एंड डेस्टिनेशन टैक्स ओरिजिन है उस गवर्नमेंट को टैक्स तो और जहां, यहां पे अगर है, उस को दिया जा रहा है तो उसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं आई क्या बात समझ में सर जो खुद पर बात आई तो अकल ठिकाने आई स्टेट गवर्नमेंट की येस, येस, येस ये दो वर्ड को अच्छे से समझ लो ओरिजिन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ठीक है तो सीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स था चलिए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते यहां तक समझ में आया ओके बेटा मैं पानी पीता तो, हूं तब तक बोलिए फटाफट हाँ सर समझ में आ रहा है और जोर से लाइक का बटन दबाइए जिसने भी लाइक नहीं किया होगा अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक तो है सुमन आने वाला उसके ऊपर आने वाला हम जैसा सुमन का यह कहना है सर जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है क्या हाँ बता देता हूं लेकिन क्यों जी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है उस हम बाद में देखेंगे अभी तो हम पुराने लॉ में सीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स था सीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स था ओके जो मेरे मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में कनेक्टेड है वो सब हाई हाँ बोलिए वेरी गुड लाइव स्ट्रीमिंग में जो कनेक्टेड है हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू वेरी गुड यूट्यूब पे भी सबका आंसर आ रहा है वेरी गुड <laughs> चिरा कह रहा है सर लाइक का एक ही बटन तो मजाक कर रहा हूँ यार ओके चलते रहते है ऐसा ठीक है हाँ तो <laughs> <laughs> चलो हाँ आगे आगे बढ़ते <laughs> तो बेटा यहां पे अब एक पॉइंट और ले लेता हूं जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हो रहा था तो पहले सी लगता था और सेम स्टेट में सेल हो रहा है तो सेल्स से टैक्स है वैट लगता था सी का रेवेन्यू सेंट्रल कलेक्ट करके स्टेट को दे देती थी कौन से स्टेट को देती थी महाराष्ट्र और दोनों का झगड़ा खत्म कर दिया अब समझ लो एक और एग्जाम्पल मैं यहां लेना चाहूंगा और वो एग्जाम्पल समझ लो ये जो महाराष्ट्र का डीलर है इसका वेराउस है इसका हाउस है गुजरात में एक नया वर्ड पिक्चर में ला रहा हूं मैं इसका वेर हाउस है गुजरात में और वो अपने ही वेर हाउस नहीं रहा है अपने ही हाउस में गुड्स ट्रांसफर कर रहा है महाराष्ट्र से गुजरात में उसके ही वेर हाउस में गुड्स जा रहा है तो बताओ इसे हम क्या कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं या कोई दूसरा वर्ड है बोलो फटाफट Okay, इसे हम क्या कहते हैं बत तो बोलो फटाफट मैं अभी ही पढ़ाने वाला हूँ। जीएसटी के फिर सेक्शंस कितने क्या वो सब बाद में वो सब बाद में ठीक है इसे हम क्या कहते हैं मैं अपने ही हाउस को गुड्स भेज रहा हूं जो सेल नहीं है इसे हम क्या कहते हैं कोई वर्ड है नहीं 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 जीएसटी में आई मत यार कोई भी जीएसटी में आंसर दो ही मत जब तक मैं जीएसटी में नहीं जाता हूं ना तब तक आप आंसर मत दो चिराग नो नो हाँ वेरी गुड तो इसे हम एक वर्ड यूज करते हैं यही तो मुझे चाहिए आपसे चाहिए पूरा लॉ कैसे बनेगा स्टॉक ट्रांसफर और इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर अब मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है क्या इसके ऊपर स्टॉक ट्रांसफर कहो ब्रांच ट्रांसफर करो वेयर हाउस ट्रांसफर कहो जो सेल नहीं है तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए क्या हमने? ओके, okay, जब देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल हुआ हमने टैक्स लगाया सीएसटी सेम स्टेट में सेल हुआ हमने टैक्स लगाया सीएसटी, लेकिन हम हमारे ब्रांच को ही भेज रहे हैं हम हमारे ब्रांच को ही स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या इसके ऊपर हमने टैक्स लगाना चाहिए क्या बताइए थैंक यू इजाज़ थैंक यू ओके आंसर दो आंसर दो क्या हमने टैक्स लगाना चाहिए क्या आंसर आ रहा है नो सर क्यों नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सेल्स टैक्स जो था वो सेल इवेंट पे था गुड्स के मूवमेंट पे नहीं था गुड्स मूव हुआ मैं मानता हूं फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट गुड्स मूव हुआ पर वो सेल्स टैक्स सेल इवेंट पे था यहां कोई सेल नहीं हुआ है तो 2017 के पहले मेरे ये स्टेटमेंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसको समझना है इनडायरेक्टली समझ जाना ठीक है जिसको समझना है इनडायरेक्टली समझ जाना और अगर किसको समझा होगा तो कमेंट जरूर जर कि समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो 2017 के पहले इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया पर जो इनडायरेक्टली बोल दिया उसको मैं आगे प्रूव करूंगा बताओ 2017 के पहले इसके ऊपर टैक्स नहीं था आप क्या समझे बोलिए फटाफट आप क्या समझे <laughs> मैं चाहता हूं कि आप क्या समझे क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर स्टॉक ट्रांसफर था तो उसके ऊपर हम टैक्स क्यों दे आई क्या बात समझ में स्टॉक ट्रांसफर था तो हम टैक्स क्यों दे उसके ऊपर 2017 के पहले इसके ऊपर टैक्स नहीं था पर 2017 के बाद क्या हुआ वो बाद में बताओगे आपका समझ में आएगा हाँ 2017 के पहले जब वेराउस से सेल होता था समझ लो गुजरात में सेल हुआ और से सेल हुआ तो जब से सेल होता था तो इसे इंट्रास्टेट मानते थे इंट्रास्टेट मानते थे और गुजरात गवर्नमेंट सेल्स टैक्स कलेक्ट करती थी यानी इस पर सेल्स टैक्स कलेक्ट होता था और वो सेल्स टैक्स गुजरात गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी क्योंकि वो गुजरात में सेल हुआ सर टैक्स था इसलिए तो जीएसटी आया ना कि टैक्स कलेक्शन हो चलिए सुमन कहती है दिस इज नाउ टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी पता नहीं सुमन कहती है कि सर पुराने इसमें स्टॉक ट्रांसफर तो टैक्सेबल नहीं था लेकिन शायद जीएसटी में टैक्सेबल हो सकता है आई डोंट नो मैंने इनडायरेक्टली तो आपको बताया धीरे धीरे बताओगा कि ऐसा क्या हुआ जीएसटी में चलिए अरे बेटा अमीन पहले तो जा रहे दो चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है स्टार्ट करते है। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और ये प्लीज हार्ड वर्किंग सीए आप यहाँ पे पढ़ने दो सही बात है पढ़ने दो अननेसेसरी लेक्चर में कोई कमेंट पास मत करो बेटा चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए हमारा क्या क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ट्रेडिंग सेक्टर उसमें सीएसटी और वैट का इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट दो नए वर्ड और ओके दो नए वर्ड्स को हमने समझा ओके okay, दो नए वर्ड्स को हमने समझा चलो अब एक और जो गुड्स पे टैक्स लगता था वो थी कस्टम्स ड्यूटी यानी ओके okay, अगर नेक्स्ट डायग्राम आपको याद होगी देखो आपके नोट्स में होगी कि बाहर से गुड्स अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स का ही टैक्स हम देख रहे हैं कि गुड्स के कितने टैक्स थे गुड्स पे एक्साइज था गुड्स पे वैट था गुड्स पे सीएसटी था गुड्स पे ऑक्ट्रा था गुड्स पे एलबीटी था गुड्स पे कस्टम ड्यूटी थी तो इंपोर्टेड गुड्स पे क्या लगती थी बेटा कस्टम्स ड्यूटी लगती थी कस्टम ड्यूटी लगती थी इंपोर्टेड गुड्स पे ओके okay, तो गुड्स पे कस्टम्स ड्यूटी थी यस yes, यस yes, बोलो बेटा यस yes, बोलो कस्टम ड्यूटी लगती थी नहीं 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 कुछ रह गया क्या हमारा हाँ बराबर है गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती थी उसके बाद में डायग्राम में अगर हम देखें तो ऑक्ट्रा या एंटी टैक्स तो लोकल बॉडी टैक्स भी लगता था जो लोकल ऑथोरिटी लेती थी ऑक्ट्रा कब लगता था बेटा एक सिटी से दूसरे सिटी में गुड्स आ रहा है या लोकल बॉडी टैक्स तो यहां पे लोकल बॉडी टैक्स टैक्स और ऑक्ट्रा ऑक्ट्रा है, है, ये लगता था और ये रेवेन्यू लोकल ऑथॉरिटी का था रेवेन्यू टू तो लोकल ऑथोरिटी लोकल अथॉरिटीज़ ठीक है उसके बाद में ये भी गुड्स पे लगता था ये भी टैक्स गुड्स पे था हाँ अब थोड़ा हम सर्विस से रिलेटेड आते हैं 2017 के पहले सर्विस टैक्स लगता था पर मैं आपको एक बात बता दूं ये सर्विस टैक्स टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था ध्यान से देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था स्टेट को नहीं मिलता था स्टेट को गुड्स पे मिलता था पर सर्विसेस में नहीं मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और सर्विसेस okay, आप जैसे एग्जाम्पल लो मैं यहां पे लाइव क्लास ले रहा हूं हो सकता है मेरे फेस टू फेस कुछ बच्चे सामने बैठे हो और हो सकता है आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन मुझे सेम टाइम पे दूसरी जगह देख रहे हो मेरी सर्विसेज ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी सर्विसेज जो है यहां थी और मेरी सर्विसेस इंटरेस्टेड भी होती थी मेरी सर्विसेस इंटरेस्टेड भी होती थी ठीक है मतलब मैं सेम स्टेट में दे रहा हूं ओके मैं सेम स्टेट में दे रहा हूं या मैं अदर स्टेट में दे रहा हूं लेकिन यहां पे अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान सुनना सेल्स टैक्स जो था सेल्स टैक्स स्टेट लेवल का टैक्स था इसलिए वो दो इसमें डिवाइड हुआ कि भाई अगर सेम स्टेट में सेल करते हो तो स्टेट और अदर स्टेट में सेल करते हो तो इंटर स्टेट जिसके ऊपर सीएसटी क्योंकि सेल स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था इसलिए वो सेंट्रल अलग हुआ स्टेट अलग हुआ लेकिन सर्विस टैक्स जो है तो सर्विस टैक्स यहाँ पे सेंट्रल के हाथ में था तो सेंट्रल के हाथ में होने की वजह से वो आप सेम स्टेट में दो या अदर स्टेट में दो उन्होंने डिवाइड नहीं किया था सर्विस टैक्स को दो सत्रह के पहले यानी जो अगर आप सर्विसेज दे रहे हो सुनना मेरी बात अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विस टैक्स लॉ में ऐसा डिवाइडेशन नहीं था कि आप सेम स्टेट में दे रहे हो या अदर स्टेट में दे रहे हो ऐसा डिवाइडेशन नहीं था ओके okay, तो ऐसा डिवाइडेशन सर्विसेज में नहीं था क्यों क्योंकि सर्विस टैक्स सेंट्रल लॉ था अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी दो एक ही टैक्स लगता था सर्विस टैक्स कुछ फायदे इसके क्या थे सर्विस टैक्स के सेंट्रल लॉ होने की वजह से मेरे बिजनेसेस कितने भी हो कहीं पे भी हो ध्यान सुनना कहीं पे भी हो मुझे कॉमन रिटर्न था कॉमन कंप्लायसेस कॉमन रिकॉर्ड थे ओके okay, और जो भी मैं सर्विसेज दे रहा हूं उस पे ऊपर सर्विस टैक्स लगता था और सर्विस टैक्स का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल का था सर्विस टैक्स का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल का था इज इट क्लियर यहां तक आपको समझ में आई ओके okay, तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में सर्विसेज डिवाइड नहीं होती थी ओके okay, तो यहां पे भी सर्विस टैक्स लगता था यहां से भी सेंट्रल सर्विस टैक्स लगता था और यहां पे भी सर्विस टैक्स लगता था ठीक है डन ओके नाउ आगे बढ़ते हैं तो ये सर्विस सेक्टर का हमने ये टैक्स देखा उसके बाद में कुछ होटल इंडस्ट्री पे सर्विसेज पे लग्जरी टैक्स भी था यानी सर्विस टैक्स था एज वेल एज ओके लग्जरी टैक्स भी था ओके अब लग्जरी टैक्स जो ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था ऑन होटल इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री यहां पे लग्जरी टैक्स था और लग्जरी टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था आपको लिखना तो लिख सकते हो रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ओके ये भी सर्विसेज पे लगता था ना अब उसके आगे हा बेटिंग यानी आप बेटिंग कर रहे हो गैमलिंग गैमलिंग चल रहा है या लॉटरी इसके ऊपर भी टैक्सेस थे अलग से टैक्सेस थे और हेवी टैक्सेस थे ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास था ये भी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था लिख दो यहां पे, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था लॉटरी बेटिंग गैमलिंग पे जो टैक्सेस लगाए थे ओके okay. नाउ उसके बाद में यहां जस्ट मिनट बेटा तो हमने यहां देखे कि गुड्स और गुड्स बेस्ड टैक्सेस करेक्ट गुड्स बेस्ड टैक्सेस और सर्विस बेस्ड टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैसे अलग 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 लगाती थी ओके okay, जीएसटी आने के पहले तो गुड्स पे एक्साइज उसके बाद में वैट सीएसटी एलबीटी ऑक्ट्रा कस्टम्स ओके एंड ब्लाबला इतने सारे टैक्सेस थे ओके okay, कुछ परचेज टैक्स कुछ स्टेट में तो परचेज टैक्स था ओके एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी सरचार्जेस थे एजुकेशन थे ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे टैक्सेस थे और ओके okay, उसके सर्विसेज पे भी सर्विस टैक्स था लग्जरी टैक्स था एंटरटेनमेंट टैक्स था ऐसे बहुत सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है या स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है पर ओके बिजनेसमैन इन सबके कंप्लायंस करने में बड़ा परेशान था इन सबके कंप्लायंस करने में बड़ा परेशान था और एट लास्ट ओके ये बिजनेसमैन की भी डिमांड थी और गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि कुछ तो अब होना जरूरी है और एक जुलाई दो को कुछ हुआ और एक जुलाई 2017 को क्या हुआ ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में ओके okay, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में ठीक है बेटा तो यहां यहाँ हैं आज और आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे चलिए आपके कोई डाउट्स क्वेश्चन हो गए तो बताइए और बेटा जो लाइव स्ट्रीमिंग में था यस yes, कुलदीप बाकी जो भी स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन हुए हैं अच्छे खासे स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं ओके okay, मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं तो इजाज, इजाज, इजाज मैं पहले कह रहा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को अलग रखो टीडीएस डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है इसके पहले के सेशन में मैंने बहुत क्लियरली कहा है अब मैं ये सवाल एंटरटेन नहीं करूंगा कि सर इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये जो है ये तो डबल टैक्सेशन है वो है रियल सेंस में डबल टैक्सेशन पर दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है इसलिए ये हम बाद में देखेंगे एंटरटेनमेंट टैक्स बेटा मूवी टिकट्स वगैरह इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी होते थे और एंटरटेनमेंट टैक्स भी होते थे कोई डांस प्रोग्राम है एंटरटेन प्रोग्राम है मूवी टिकट तो होते थे सर हर सेशन में आप सस्पेंस छोड़ देते हो तभी तो नेक्स्ट सेशन में मजा आएगा फर्स्ट जुलाई 2017 को क्या हुआ ओके okay, एकदम सडनली आंसर ये मत बोल देना जीएसटी आया देखो तो क्या हुआ मजा आएगा आपको हम आगे देखेंगे एक वंश का क्वेश्चन है सर जीएसटी इतना अच्छा लॉ है फिर लोग क्यों चिल्लाते हैं क्यों चिल्लाते हैं मैं आगे बताऊंगा हाँ। लोग चिल्ला रहे क्यों चिल्ला रहे हैं? हम आगे देखेंगे चलिए आज यही रुकते हैं और मेरा सेशन होने के बाद कमेंट कॉलम में अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक गिफ्ट मुझे दीजिएगा ओके गिफ्ट नहीं कहूंगा एक छोटी सी मिठाई मुझे दीजिएगा ओके कमेंट कॉलम में हमारा सेशन होने के बाद ओके लिख दीजिएगा सर मजा आ गया अच्छा लगा मेरे लिए नहीं बेटा मैं 16-17 साल से ये टैक्स पढ़ा रहा हूं और इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूं पर जो भी दूसरे स्टूडेंट्स यहां पे अगर ये सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि उनको भी फायदा होना चाहिए अगर आप चाहते हो तो सेशन खत्म होने के बाद कमेंट कॉलम में जरूर कमेंट दीजिएगा चलिए यहां रुकते हैं और बेटा लाइव स्ट्रीमिंग के डेमो के लिए ज्वाइन हो जाओ बहुत फायदा होगा आपको लाइव स्ट्रीमिंग में जैसा YouTube में ड्राइव में कहीं तो भी डिसिप्लिन नहीं होता है स्टूडेंट डंप हो जाता है लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में सिलेक्टेड स्टूडेंट उनके लिए और आप डेमो करके क्योंकि जो आप यहाँ पे डेमो करके मेरे इसमें ज्वाइन हो गए वही आप विजय सर के लिए सेम प्रोसेस है वही यहाँ पे दर्शन सर बाकी के लिए सेम प्रोसेस है बेटा चलिए तो आज यही लुकते हैं, आगे हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू और कमेंट कॉलम में अपनी कमेंट जरूर देना सेशन होने के बाद